एक्सेलेंट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है और आज मैं आप लोगों को रेकी के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस साइंस में एक बहुत अच्छी बात है, दैट इज अ ट्रस्ट योरसेल्फ। एक एक ताकत, एक 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 जो शक्ति किसी सिद्ध पुरुष में होती है वो आप लोगों में भी है, सिर्फ उसे रिफाइन करने की जरूरत है। जादू उसी की जिंदगी में होता है जो लोग जादू में विश्वास रखते हैं। विश्वास आपको कुछ भी हासिल करा सकता है। तो फिर से मैं बोलूंगा, आपको प्लीज ध्यान रखिएगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिएगा जब इन शक्तियों पे काम करते हैं। नॉलेज ऑफ चक्रा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेजर हमारे जो बॉडी है उसमें 7 चक्रास होते हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर मैं चक्रा की बात करता हूं तो सबसे पहला चक्रा है वो रूट चक्रा होता है। रूट चक्रा जिसको हम लोग मूलाधार चक्रा भी कहते हैं, ये लाल रंग का होता है। इसका मंत्र लम होता है, एड्रेनल ग्लैंड पे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे काम करता है। ये सेंटर होता है आपके सर्वाइवल का, आपकी सिक्योरिटी का और आपकी सेफ्टी का। जो आपके अंदर आपके भौतिक शरीर में जो एनर्जी आती है वो यहीं से ही आपको प्रदान होती है। आप बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसमें सक्सेस कितनी मिलेगी वो आपका यही चक्र डिसाइड करता है। जिन जिन लोगों के अंदर ये चक्र एक्टिवेट नहीं होता है या फिर इम्बैलेंस होता है, तो वो लोग आपको फ्रस्ट्रेशन, एनजाइटी, फियरफुल, इस तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। अगर मैं बॉडी ऑर्गन्स की भी बात करूँ तो आपकी जो टांगे हैं, आपकी नी है, आपके जो हिप्स एरिया हो गया, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, उसको यही कंट्रोल करता है। होने वाली शारीरिक प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी ईटिंग डिसऑर्डर्स या फिर ओबेसिटी जैसी भयानक बीमारियाँ इसी चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। जब भी हम लोग एक्सपेक्टेशंस और इमेजिनेशंस अपनी बढ़ाते हैं तो ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। इस चक्रा को खोलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बर्न अवे योर इमेजिनेशन एंड एक्सपेक्टेशंस, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये अगर मैं एलिमेंट्स की बात करता हूँ, तत्व की बात करता हूँ, तो ये पृथ्वी तत्व का होता है, ठीक है। अगर मैं अपने दूसरे चक्रा पे आता हूँ, दूसरा चक्रा नाभि से 2 इंच नीचे होता है, जिसका नाम होता है सैक्रल चक्रा। इसे हम स्वाधिष्ठान चक्रा भी कहते हैं। इसका मंत्र वम होता है, ये संतरी रंग का होता है और गोनाड ग्लैंड्स के बेसिस पे होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे काम करता है। आप लोगों को बताऊंगा कि जो सेंटर होता है, ये सेंटर होता है फ्रेंडलीनेस का, इमोशंस का, क्रिएटिविटी का, सेक्सुअलिटी का, सेल्फ वर्थ का। तो जो जो लोगों में ये इम्बैलेंस अगर होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंटली उसे फेस करनी पड़ती है कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को मैनिपुलेटिव फील करेगा, वो इमोशनली एक्सप्लॉइट फील करेगा, ऑब्सेस्ड रहेगा विद द थॉट ऑफ सेक्स, मे लैक एनर्जी आल्सो। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इम्बैलेंसेस में आते हैं। अगर मैं फिजिकल बॉडी की बात करता हूँ, ऑर्गन की बात करता हूँ, तो इसके अंदर आप लोगों के किडनी, आपके यूरेटर्स, यूरेथ्रा, ये सब पार्ट इसी के अंदर आते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन सब इसी का पार्ट होता है। होने वाली बीमारियाँ जैसे किडनी फेलियर हो जाना, किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, मसल स्पैज्म हो जाना, ये सब इसी के अंदर ही आता है। सैक्रल चक्र आपके डर की वजह से ब्लॉक हो जाता है। देखिए, डर 4 ही तरह के होते हैं। पहला डर होता है कि आप कहीं मर ना जाए, दूसरा डर आपके कोई बॉडी पार्ट्स में, हाथ को, पैर को कोई खराब ना हो जाए, तीसरा डर कि मैं इनसे प्यार करता हूँ उनको कुछ ना हो जाए, और चौथा और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मेरा कंफर्ट लेवल, मेरा स्टेटस, मेरा मार्केट के अंदर, सोसाइटी में जो रुतबा है, मेरी पावर, वो कहीं कम ना हो जाए। इसके अलावा कोई और डर नहीं होता। तो जब जब आपका डर बढ़ता जाता है तो ये चक्र ब्लॉक हो जाता है सबसे ज़्यादा। इसको खोलने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस डर को जानिए कि ये डर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। डर पता लगने के बाद आपका 50% डर तो वहीं पर खत्म हो जाता है, ओके। इसका एलिमेंट जो होता है वो जल तत्व का होता है। इससे अगर मैं और आता हूँ ऊपर, यानी नाभि से 2 इंच और ऊपर आऊंगा, तो वहां पर मेरे पास सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, नाभि से 2 इंच ऊपर। ये चक्र पीले रंग का होता है और इसका मंत्र रम होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें सेंटर बोलते हैं ईगो का भी और एंगर यानी गुस्से का भी सेंटर होता है। तो आपकी पावर का, आपके इंपल्स का, ये सारा सेंटर यही होता है। अगर किसी का भी व्यक्ति का अगर ये बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, एक्टिवेट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगी, वो कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं होगा, डिप्रेसिव भी रहेगा, और इससे भी ऊपर वो हमेशा जब भी कोई काम करेगा तो उसे ये लगेगा कि यार दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा जब भी अगर मैं इसके अंदर में बात करता हूँ मेरे बॉडी ऑर्गन पार्ट्स की, तो ये मेरा जो है ये सारा मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। पैनक्रियाज ग्लैंड पे काम करते हैं, लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइंस, गॉल ब्लैडर, ये सब इसके अंदर आते हैं।
होने वाली बीमारियां जो होती हैं इसके अंदर, डायबिटीज हो सकती है आपको, आपको लिवर से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन की डिजीज होना, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम्स है इसके केस के अंदर, ठीक है। जो चिंता होती है वो इसको ब्लॉक कर देती है, और इसको चिंता को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, ये दो चीज़ों से आपकी जो चिंता है वो खत्म होती है। इसका अगर मैं तत्व का बात कर रहा हूँ तो ये अग्नि तत्व का होता है, इसका एलिमेंट कौन सा होता है, इसका एलिमेंट फायर होता है। इससे ऊपर यानी तीन, जैसे मैंने बताया आपको लम वम रम, इससे ऊपर मेरे पास यहाँ पे हार्ट चक्र होता है जो ग्रीन कलर का होता है, और उसका मंत्र जो होता है वो यम होता है। हार्ट चक्र, हार्ट चक्र के बारे में बताना चाहूंगा कि ये सेंटर होता है आपके लव का, आपके केयर का, आपके कंपैशन का। जिन लोगों के अंदर भी ये इम्बैलेंस होता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो अपने आप से गिल्ट फील करेंगे, यानी सॉरी फील करते रहेंगे, वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उन्हें हमेशा यही डर लगेगा कहीं वो ये मेरा दिल ना दुखा दे। ये मेजर प्रॉब्लम्स आती है जिन लोगों का ये इम्बैलेंस होता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र के साथ अगर मैं रिलेट करूँ तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम पर हमारा काम करता है, और थायमस ग्लैंड इसके अंदर हमारे काम करते हैं। तो जैसे मेरा ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये सब इसके अंदर, मेरे अपने शोल्डर्स, अपर बैक, मेरे हाथ, बाजू, ये सब इसी के अंदर आते हैं। होने वाली अगर बीमारी की बात करता हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, इनसोमनिया। इनसोमनिया मतलब नींद नहीं आना, ठीक है। आपके कार्डियक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके लंग्स के जो इन्फेक्शन होते हैं, वो सब यहीं से ही कंट्रोल होता है। अगर जब भी आप लोगों को कॉन्स्टेंट नीड ऑफ अप्रूवल, किसी की भी जरूरत पड़ती है, अटेंशन हमेशा, तो समझिए आप इसको ब्लॉक कर रहे हैं। खोलने का सबसे अच्छा तरीका है इसको अनकंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ लव, ये इसको और विकसित कर देता है। इसके ऊपर मैं अपने थ्रॉट चक्र के बारे में बताता हूँ, उसका मंत्र होता है हम। ये अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये स्काई ब्लू कलर का होता है, और इसके थ्रॉट चक्र के अंदर जो मेरे पास, अगर इस थ्रॉट चक्र की मैं बात कर रहा हूँ तो थ्रॉट चक्र के अंदर हम लोगों के ये लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर काम करता है। आने वाली जो चीज़ें होती हैं इसमें थ्रॉट, मेरा यानी थ्रॉट, मेरा नेक, मेरी एलिमेंट्री कैनाल, मेरा वोकल अपरेटस, मेरे टीथ, मेरे ईयर्स, ये सब इसी के अंदर होते हैं। होने वाली प्रॉब्लम जब इम्बैलेंसेज होती हैं तो सबसे ज़्यादा ईयर के इन्फेक्शन हो जाना, टीथ में प्रॉब्लम होना, थायराइड होना, सोर थ्रॉट होना, इन्फ्लेमेशन होना, ये सब इसके लक्षण, मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। अगर थ्रॉट चक्र के बारे में और विकसित जानना चाहें तो आप ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग थ्रॉट चक्र के लिए जब भी जेलसी और कंपैरिजन की भावना रखते हैं तब तब ये आपका ब्लॉक हो जाता है। इसको वापस खोलने का तरीका एकमात्र ही है, एंड दैट इज़ यूनिकनेस, अपनी यूनिकनेस जानना कि आपके अंदर यूनिकनेस क्या है, तो उससे आपके अंदर जेलसी और कंपैरिजन वैसे भी नहीं करना चाहिए। अगर करने का कभी विचार भी आता है तो उन व्यक्ति से कीजिए जिन व्यक्ति से आप बहुत ऊपर हैं, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत मिले और आपके अंदर कृतज्ञता की यानी थैंकफुलनेस की एक फीलिंग आए कि हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे पास वो बहुत कुछ है जो आपने मुझे दिया। इससे ऊपर अगर मैं आता हूं, तो मेरा थर्ड आई चक्र जिसको हम लोग ब्रो चक्र भी कहते हैं, अजना चक्र भी कहते हैं, आगे चक्र भी कहते हैं, इसका ओम इसका मंत्र होता है। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ये सेंटर होता है हमारा परसेप्शंस का, इंट्यूशंस का, जब भी किसी व्यक्ति का ये इम्बैलेंस होता है तो सबसे बड़ी उसको प्रॉब्लम ये आती है कि ही में फील वीक, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा। आपने देखो क्लासरूम में बच्चे भी बैक बेंच में बैठते हैं, पीछे रहते हैं, मैडम को उठा के पूछना नहीं। थ्रॉट चक्र की मेजर प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, लोग अपने इंप्रेशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद दिस, राइट। और इसके अंदर मैं बात करूँ बॉडी के साथ साथ, इसके अंदर हमारे पास हमारी आईज, हमारी नोज, हमारा फेस, मेरा लोअर ब्रेन भी इसी के अंदर आता है। होने वाली सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं वो आँखों से रिलेटेड ही होती हैं, आई ब्लडनेस हो जाना, आई में प्रॉब्लम हो जाना, ये मेजर इसके सिम्टम्स होते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ तत्व की, तो ये सब आकाशीय तत्व की ही भूमिका के निभाते हैं, सब आकाशीय तत्व ही होते हैं। सबसे आखिर में अगर कोई आता है तो दैट इज कॉल्ड एज क्राउन चक्र। क्राउन चक्र मेरा, इसका जो मंत्र होता है वो ओम होता है, और ये वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट कलर का। ये सेंटर होता है स्पिरिचुअलिटी का, एनलाइटनमेंट का। ये सेंटर होता है, आप ये समझिए कि एक स्पिरिट, जो बच्चा जब पैदा होता है तो स्पिरिट यहीं से आती है और यहीं से मरने के बाद चली जाती है। जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा ये जो हिस्सा होता है कितना सॉफ्ट होता है, राइट। ये सेंटर होता है कनेक्टेडनेस विद गॉड के साथ। जिन लोगों का भी ये अच्छा नहीं होता है, इम्बैलेंस होता है, वो हमेशा उनकी लाइफ में कोई जॉय नहीं रहेगा, राइट। वो हमेशा जो है वो आपको लगेगा कि वो गलत डायरेक्शन में ही नहीं। होने वाले इसके अंदर जो कवर होता है, इसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ अपर ब्रेन ही कवर होता है, अपर ब्रेन, जिसमें होने वाली बीमारी माइग्रेन, सीवियर हेडेक एंड डिप्रेशन, ये तीन मेजर प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं इसको होने के लिए। इसमें अगर मैं बात करना चाहूँगा तो जब भी आप लोगों की ग्रेटिट्यूड टुवर्ड लाइफ रहेगी कि हे ईश्वर, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, बहुत कुछ आपने दिया है, तब तब ये और ज़्यादा विकसित होगा। और जहाँ आपकी नेगेटिविटी शुरू होती है कि मैं ही क्यों, सब कुछ आपने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं होता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलते,
तब तब ये चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है। ये सातों चक्र आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। इन चक्र से ही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ही आप लोगों का ऑरा बनता है। ऑरा क्या होता है? ऑरा एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कहूँगा या फिर एक एनर्जी फील्ड कहूँगा जो आपके फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक तरह का ओवल शेप ले लेती है, जिसको हम लोग आभा मंडल भी कहते हैं। ये 7 लेयर्स होती हैं इसकी, और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हर लेयर बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वाइब्रेशंस बढ़ती जाती हैं। हर ह्यूमन बॉडी की, हर लिविंग ऑब्जेक्ट की, इवन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी अपना एक ऑरा होता है। कैलिन कैमरा करके एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम PIP करके आप किसी के भी ऑरा को फोटोग्राफी खींच सकते हैं और चेक कर सकते हैं किसके ऑरा कितना बड़ा है कितना नहीं। आमतौर पर एक आदमी का 3 फुट का ऑरा पाया जाता है। सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली जो लेयर होती है वो एथरिक लेयर होती है। आप लोग घर में भी कर सकते हैं कि सिर्फ करना क्या, ड्रेसिंग टेबल पे आप या फिर जो भी शीशा है उससे 2 फीट पीछे हो जाइए एक लाइट बैकग्राउंड करके, और ध्यान से अपने इस एल फोल्डर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक व्हाइट कलर की लाइट रोशनी जो आपको दिखेगी, दैट इज कॉल्ड योर एथरिक लेयर। ठीक है, ये रूट चक्र से ही कनेक्टेड होती है, और यहाँ पे आप लोग डिजीज भी देख सकते हैं जो आपको फिजिकल बॉडी पे आएंगी। ओके, ये ऑरा रीडर्स के कोर्सेज भी होते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, बुक्स भी आती हैं ऑरा रीडिंग के ऊपर, आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट जो होती है वो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, उसकी लेयर होती है जिसको हम लोग इमोशनल लेयर कहते हैं। हमारे ये सैक्रल चक्र से सीधे रिलेट करती है, वहाँ हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के बेसिस पे ये हमारा दूसरा वाला लेयर होता है। तीसरा लेयर जो होता है वो हमारा मेंटल लेयर होता है। मेंटल लेयर मतलब हमारे थॉट जहाँ पर आते हैं, राइट। हमारे जैसे हमारे थॉट्स दो ही तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रेस करते हैं हमारी मेंटल और जो हमारी इमोशनल और हमारी जो एथरिक लेयर है हमारी फिजिकल बॉडी तक, और यही जो है वो बॉडी पेन का रूप ले लेते हैं, और यही बॉडी पेन आगे जाके एक डिजीज का रूप ले लेते हैं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेटली सोलर प्लेक्सस से रिलेट करता है। इससे ऊपर जो है एस्ट्रल लेयर होती है, जिसको हम लोग अपने हार्ट चक्र से रिलेट करते हैं, जो लेयर होती है केयर कंपैशन की और लव की जो लेयर होती है, और एक्ट करती है वो ब्रिज होती है एक तरह से, जो 3 लोअर जो ऑराज होते हैं और जो हायर लोअर ऑराज होते हैं उनको बीच में ये ब्रिज का काम करती है। इसके ऊपर जो है वो अगेन जो है वो एथरिक टेम्पलेट करके लेयर होती है जो हमारे थ्रॉट चक्र से रिलेट करती है। उसके ऊपर अगेन सेलेस्टियल लेयर होती है जो हमारे थर्ड आई चक्र से रिलेट करती है, जहाँ से और ऊपर हम जाएंगे तो 7th और द लास्ट मोस्ट जो लेयर होती है जिसे हम लोग कैथरिक टेम्पलेट कहते हैं, जो हम लोगों के क्राउन चक्र से रिलेट करती है, जहाँ पे अगर देखना चाहें तो प्रीवियस लाइफ टाइम्स भी हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑरा के बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जब हम लोग ऑरा को क्लीन भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग सेल्फ ऑरा क्लीनिंग प्रोसेसेस बोलते हैं, जिससे आपके जितने भी फ्रीक्वेंसी है जो गंदगी होती है, आपने देखा होगा ऑरा आपका ऑरा किसी फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा है, जहाँ आपके रोज जाने का बहुत मन करता है, आपके साथ खेलना आपके साथ बैठना उसका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसा फ्रीक्वेंसी भी होती है कि आप कहीं जाते हैं घर पे, किसी के घर पे जाते हैं आप खाना खाने के लिए, लेकिन 2 मिनट होते हैं और आप कहते हैं चलो घर चलो बहुत देर हो गई, तो वो ऑरा का मिसमैच होता है जो आप फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाते हैं। इस ऑरा को आप लोग जैसे मैंने बताया कि कैलिन कैमरा के थ्रू देख भी सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।